हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारा 15 दिन का डिफरेंट खाना। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ फ्यूचर वाली वीडियोस को मिस कर देंगे, वो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। देखने तो अच्छा लग रहा है। No, no, cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I own it. Still drive me crazy. सबसे पहले हमने बैंगन का भरता बनाया है। इसकी रेसिपी मेरे व्लॉग्स में कहीं पे होगी, मैं कोशिश करूँगी उसको छोड़ दें। सो जब बैंगन का भरता बनता है तो हस्बैंड को परांठे अच्छे लगते हैं, पर मैनू प्लेन फुलके। सो हस्बैंड को सर्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा खाना है आज का, भरता एंड फुलके, दैट्स इट। और कोई टशन मशन नहीं किए जाएंगे। एंड फुलका देखो मेरा कितना खुश। कहते हैं कि जब ऐसे फुलका हो जाता है, फूल जाता है, तो खाने वाले को बहुत भूख लगी होती है। आपने सुना ही है या मैं ही सुना कर लिए। देसी घी लगाएंगे एंड पति को कर देंगे सर्व। सो आज हमने सोचा है कि हम कुछ नहीं खाने वाले, सिर्फ सैलड ही खाएंगे डिनर के लिए। मैंने ये मूंग को स्प्राउट किया था 1-2 दिन लगा के। एक्चुअली मैं इसको ना हॉट पॉट में कर लेती हूँ, और इसमें हम जो भी मेरी फ्रिज में चीज़ें अवेलेबल हैं वो छोटा छोटा चॉप करके डाल देंगे। एप्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मीठा खट्टा फ्लेवर देता है। धनिया है, टमाटर है, खीरा है, ऐड इसमें अनियन। इनको बहुत अच्छा प्यारा बारीक काट लेंगे हम, एंड देन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। एंड इसमें मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डालती हूँ, एंड लेमन जूस भी, एंड चाट मसाला भी। एंड सीजनिंग के लिए सिर्फ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। इसको हम टिट पाई पाई के खा लेंगे, एंड यही हमारा डिनर होने वाला है। सम डेज़ मुझे ऐसा करना भी अच्छा लगता है कि you know, थोड़ा सा डिटॉक्स हो जाती है बॉडी, कि आप ज़्यादा मत खाएं। आज वाले दिन मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ। ये है बैंगन, लुक एट दिस, इनकी शक्ल कैसी है, इन्हें खूबसूरत, आई डोंट नो, ये डिफरेंट किस्म के हैं। सो मैं आपको क्विक रेसिपी बताऊँगी। जब मुझे बहुत जल्दी होती है तो मैं क्या करती हूँ, इसको वॉश करके अच्छी तरह काट के इसमें हल्दी, नमक एंड लाल मिर्च का मिक्सचर ऐड कर देती हूँ ताकि अंदर तक सीजनिंग हो जाए। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल में इनको मैं करूँगी फ्राई। अब जब ये फ्राई हो जाते हैं तो मैं ऑयल को रिमूव कर देती हूँ पैन में से, एंड इसी में सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। जैसे मेरे पास टमेटो पेस्ट बना हुआ पड़ा था थोड़ा सा फ्रिज में, मैंने वो ऐड कर दिया। इसमें मैंने ऐड कर दिया टमाटर के क्यूब्स भी ऐड कर दिए थोड़े, एंड अनियन के, क्योंकि हस्बैंड को अच्छे लगते हैं। एंड ज़्यादा अनियन के लिए मैं डीहाइड्रेटेड अनियन ऐड कर देती हूँ। जब वो हाइड्रेट होते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने चॉप करके अनियन ऐड किए हैं। ये उस दिन के लिए जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, काली होगी, तो आप ये ज़रूर से ट्राई करना। उसके बाद सीजनिंग कर दें। वैसे तो मैंने बैंगन की सीजनिंग करके रखी है, पर फिर से मैं सॉल्ट, पेपर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ऐड कर दूँगी, एंड ऑल्सो ग्रीन मिर्ची बड़े बड़े चंक्स ऐड कर देंगे, तो फिर अच्छा स्पाइसी बन जाएगा। एंड इसको थोड़ी देर कुक करें। जब ये सारा मसाला तेल छोड़ देगा, आपके बैंगन रेडी है सर्व करने के लिए। सो इसको हम खाएंगे फुलके के साथ, परांठे के साथ भी खा सकते हैं, पर इतना ऑयल हमने यूज़ किया है तो फुलका ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप जल्दी में हैं। आज बनाएंगे कि आगे कोफ्ते बट मलाई वाले स्टाइल के, क्योंकि हस्बैंड को वो अच्छा लगता है। इसकी रेसिपी भी मैंने किसी पूरे व्लॉग में शेयर की थी। तो लौकी को मैंने ना कद्दूकस कर लिया है एंड उसमें बेसन एंड बाकी सारी सीजनिंग ऐड कर दी, धनिए के सीड्स ऐड कर दिए और इसको अच्छे बॉल्स बना के, इसमें मैं आलू भी ऐड करती हूँ एक्चुअली, फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम बेसिक तड़का लगाएंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे क्रीम एंड कैश्यू नट्स एंड ऑल्सो किशमिश एंड बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनते हैं कोफ्ते इस किस्म से। मैंने इसकी रेसिपी किसी व्लॉग में शेयर की थी, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये मलाई कोफ्ता नहीं है, ये लौकी कोफ्ता है। मलाई कोफ्ते का मतलब है मलाई में कुक हुआ, ये बोलना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे। मलाई कोफ्ता मुझे पता है कि सिर्फ पटेटोज़ एंड खोए के साथ बनाते हैं, पर ये मलाई में कुक किया है तो मलाई कोफ्ता ही है, राइट? आप अग्री करते हैं या नहीं बताना। बहुत डिलिशियस बनता है ये, अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर से बताना। अगर दोस्तों तो हस्बैंड की थाली तैयार है, हस्बैंड का रिव्यू लगाने भाव, एक मुर्गी खा के रिव्यू दोगे? ओ यार कम ऑन, सीरियसली ला। आई डोंट नो इफ दे कैन सी यू। आ भी लो, थोड़ी बड़ी बाइट लो ना, देखने से तो अच्छा लग रहा है भाव। ओ कोफ्ते दी बाइट लो, बढ़िया चूज सच चल जाएंगे। जा जा रहा खा ला मेरी आरती का भी बहुत ही क्या। सो इसका फ्लेवर टेस्ट करते हैं। वैसे मैंने हस्बैंड की एक बुर्की टेस्ट कर ली, बढ़िया बने। सो अब मैं बनाने वाली हूँ मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार सा वेज सैंडविच, जिसकी मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करना चाहती हूँ। इसमें जो भी हम वेजिटेबल ऐड करने वाली हूँ मैं मेरी फ्रिज में से, आप इनको स्किप करके अपनी मन पसंदीदा सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। एंड सो आज मेरा मन है खाने के लिए इटालियन सैंडविच। उसके लिए इन्ग्रीडियंट्स जो भी फ्रिज में हो यूज़ कर सकते हैं। मैं करूँगी जुकीनी एंड टमाटर, मशरूम एंड ये पेपर है मेरे पास येलो ऑरेंज, ओके, एंड पालक है मेरे पास एंड ये इटालियन चिली स्प्रेड एंड पेस्टो। ये आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएगा आराम से। एंड थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी ऐड करूँगी मैं। इन सारी सब्जियों को बारीक बारीक अच्छा सा स्लाइस्ड काट लेंगे हम। उसके बाद बड़े से पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के इन सारी सब्जियों को मैं फैला के रख दूँगी एंड उसके बाद सीजनिंग कर लेंगे, थोड़ा ये कुक हो जाएगा। और ये सैंडविच के लिए मुझे ये वाली ब्रेड ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये आपको सोबीस से मिल सकती है। ये थोड़ा ना सावर डो जैसी होती है, फकाशिया काइंड की। कर ली है एंड एयर फ्रायर में मैंने थोड़ी सी फ्राइज़ भी रखी हैं और मैं चाहती हूँ पूरा सारा कुछ पैकेज कंप्लीट करना। फ्राइज़ को होने के लिए अराउंड 10 मिनट लगेंगे, पर तब तक हम हमारा सैंडविच असैम्बल कर लेते हैं, क्योंकि मेरी सब्जियां गर्म हैं एंड मैं चाहती हूँ गर्म सब्जियों पे हम थोड़ा सा चीज़ भी डालें एंड मेल्ट हो जाए। एंड साइड पर मैं अच्छी अमाउंट में लगाऊँगी पेस्टो। मुझे पेस्टो का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो मैंने आपको कभी बताया है या नहीं, पर जब हम लोग कुकिंग करते थे लाइक शेफ़ स्कूल में थे, तो पेस्टो वैसी पहली चीज़ है जिससे मुझे लव हुआ था, क्योंकि सीधा इंडिया से आए बंदे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, लाइक फ्लेवर्स नहीं अच्छे लगते हैं, बहुत सारे गलतियाँ नज़र आती हैं, क्या नहीं बढ़िया नहीं बढ़िया। पेस्टो जिस दिन हमने फ्रेश बनाया था ना, उस दिन मैंने जो भी हमने मील बनाया था वो खा लिया था मैंने। ओके सो ये चिली स्प्रेड लगाएंगे, इटालियन चिली स्प्रेड ऑन वन साइड। आप इसको स्किप करके अपनी मन पसंदीदा चीज़ें लगाएं, पर मुझे लगता है कि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बिल्ड होता है अगर आप फ़ैन हैं इटालियन फ्लेवर्स के। मेरे हस्बैंड बहुत बड़े फ़ैन नहीं है, पर उनको भी ये बहुत अच्छा लगता है। अब बारी आती है चीज़ें सजाने की। तो सबसे पहले मैं जुकीनी रखने वाली हूँ। सो ये मशरूम जब तक हॉट है थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देते हैं, लिटिल जेनरसली कर देते हैं। सो अब क्या करेंगे, इस पर हम करेंगे पेपर एंड देन टमेटोज़ को करना मुश्किल हो जाता है, पर पेपर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि उससे चीज़ में जड़ी कमी है वो और मेल्ट हो जाएगा। सो इस वाली साइड पे हम खूबसूरत पालक की पत्तियाँ रख देंगे, ब्रेड नाइफ की मदद से इसको कट देंगे। वैसे मैं काटती नहीं हूँ पर मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि फिर अंदर से दिखेगा, खूबसूरत लगेगा। सो मेरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इतनी सोहनी खुशबू आ रही है ना पेस्तो की। इसमें ना अगर आप एग प्लांट भी डालें ना, बैंगन बड्डा वाला बैंगन लंबी लंबी स्लाइसेस, बहुत अच्छा लगेगा। एंड इसको मैं ट्राई करती हूँ, मैंने बहुत स्वादिष्ट लगा, सो डिलिशियस। जब आप कुछ खाओ जो आपको बहुत अच्छा लगे ना, अपने आप डांस निकलता है, राइट। आराम से खाती हूँ मज़े लेके, ज़रूर से ट्राई करना, बहुत अच्छा है। सो आज बनाने वाले हैं करेले। करेले मुझे लगता है मैंने इतने ज़्यादा बना लिए हैं कि हस्बैंड को भी प्यार हो गया। पार के करेले बनाएंगे ताकि लपेट के आलू लुपा के मसर मूंग की दाल के साथ। इसकी रेसिपी है मेरे कुकिंग चैनल पर, अगर देखना चाहें तो। It down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. करेले खाए हैं तो भिंडी भी खाएंगे, क्योंकि बहुत बार होता है कि जब मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ तो मैंने करेले एंड भिंडी इकट्ठे मिल जाते हैं एंड फिर मुझे जल्दी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे होता है कि भिंडी फ्रेश ही बना लो। सो भिंडी के साथ भी खाएंगे मसला मूंगी की दाल, क्योंकि वो लेफ्ट ओवर थी मेरे पास कल की। So many days you didn't miss. We missed you so much. We've been crying all day, all night. Lie, that's a lie. That's a big lie. But we missed her. So, आज सुबह उठते ही मैंने सोचा कि मिर्च का अचार बना लेते हैं। इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है। इसमें हम गुड़ का चाशनी बना के बनाते हैं, गार्लिक का तड़का लगा के, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनता है ये अचार। वैसे मुझे पता नहीं था कि ये मिर्च स्पाइसी होगी या नहीं, पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना ये अचार। एंड मिर्च परफेक्ट स्पाइसी थी कि आप खा सकते हैं, आपकी जान नहीं निकलेगी, पर स्पाइस था उसमें। सो आज हमारे घर में कोई रिपेयर वाले बंदे आए थे, कोई चीज़ें हमें फ़िक्स करनी थी एंड उनको ये खुशबू इतनी अच्छी लगी कि उनको भूख लगी। और उनमें से एक ने कहा कि मैंने हमेशा ही भूख लग जाती है आपके घर आके, क्योंकि आप हमेशा इतना अच्छा कुक करते रहते हो। कुछ ठीक है, भरावा आज पिकल बन रहा है हमारे घर में। कहना मैंने भुख लग जाती है बेचारा। सो आज के डिनर के लिए है काले छोले। ब्लैक चने मुझे बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड को अन्य फेवरेट नहीं है, पर मैं इतना खूबसूरत बनाती हूँ कि कोई भी खा ले। एंड उसके साथ मैंने ना कल पाव भाजी बनाई थी, उसकी वीडियो नहीं है मेरे पास, तो वो थोड़ी सी बची हुई थी, वो सैलड एंड मिर्ची का फ्रेश अचार एंड पराठा। आज जो रोटी से हट के कुछ बनाने के लिए मन है मेरा, मैं सोच रही हूँ पनीर का लाइक काठी रोल जैसे बना लेती हूँ। उसके लिए मैं फ्रेश आटा गूंद रही हूँ स्पेशल। इसमें मैं थोड़ा आटा एंड थोड़ा मैदा ऐड करके, थोड़ा सा सॉल्ट एंड टाइनी सा 1 टेबलस्पून ऑयल, इसका प्यारा सा आटा गूंदेंगे एंड रख लेंगे। एंड पतला पतला रैप के लिए हम फुलके बनाएंगे लेटर। इस रैप में ऐड करने के लिए सैलड बना लेते हैं। थोड़ी सी लेटस काट ली है मैंने, अनियन की स्लाइसेस कर लेंगे एंड थोड़ा सा टमाटर एंड देन पनीर। पनीर के रैप बनाने वाली हूँ, तो पनीर की क्यूब्स काट ली है मैंने। सबसे पहले पैन में ऑयल ऐड किया है, जीरा एंड थोड़ा सा गार्लिक एंड देन अनियन एंड टमाटर। उसके बाद मेरे पास थोड़ी सी टमाटो प्यूरी पड़ी थी फ्रिज में, वो ऐड कर दी है मैंने। सीजनिंग करेंगे सॉल्ट, पेपर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची एंड कसूरी मेथी एंड हरी मिर्च को भी स्लाइस करके ऐड कर दिया है मैंने। एंड उसके बाद सीधा पनीर ऐड करेंगे, इसको थोड़ी देर कुक करेंगे, टॉस करेंगे। जब ये गर्म हो जाता है इसको साइड पर रखेंगे। फुल्का बना लेंगे प्यारा सा बड़ा सारा। एंड उसमें मैंने मायोनेज़ ऐड की है, देन लेटस, जो भी मेरे सैलड की मटेरियल है वो ऐड करके रैप बनाएंगे। एंड थोड़ा सा चीज़ भी ऐड कर रही हूँ मैं लेटर। रैप करके कट के हस्बैंड को सर्व करेंगे। एंड इसके साथ मैंने थोड़ी सी एयर फ्रायर में फ्राइज़ भी बना ली थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था ये रैप, ज़रूर से ट्राई करना आप भी। सो आज मैं डिनर के लिए पास्ता बनाने वाली हूँ, क्योंकि हिम्मत कितने दिन से बोल रहा था मैंने बनाया नहीं। सो इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक। ज़्यादा अच्छी प्यारी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है, अगर देखना चाहे तो। सो गार्लिक ऐड किया है, मशरूम ऐड करूँगी, ये मैरिनेरा सॉस है। एंड उसके बाद थोड़ी सी क्रीम, चीज़, पार्मेसन चीज़, सॉल्ट, पेपर एंड थोड़ी सी इटालियन हर्ब्स। एंड देन ये ऑर्गेनिक शेल्स वाला पास्ता जो कॉस्को से मिलता है वो है। एंड हिम्मत को सर्व करेंगे एंड उसके लंच के लिए भी हो जाएगा। उसे बहुत अच्छा लगता है पास्ता लंच में, और हमेशा फिनिश करके आता है। हिम्मत को वाटरमेलन बहुत अच्छा लगता है, तो हिम्मत को वाटरमेलन जल्दी से कट के देते हैं। एंड ये प्यारा क्यूट सा वाटरमेलन बहुत मीठा था। सो आज के मील के लिए है बैंगन। ये मैंने अलग तरीके से बनाए थे, इसकी रेसिपी नहीं है। मिर्ची का अचार, सैलड एंड आज मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। भटूरे हमने काफ़ी समय से नहीं बनाए। भटूरे का आटा मैंने गूंद लिया है स्पेशल। इसमें मैंने थोड़ा ईस्ट ऐड किया था, पिज़्ज़ा डो जैसे ही किया है मैंने, बट इसमें मैंने थोड़ी सूजी भी ऐड कर दी थी ताकि भटूरे क्रिस्पी बने। चने को मैंने बॉईल कर लिया है एंड जब वो बॉयल हो चुके थे तो बड़े बड़े आलू के पीसेज ऐड कर दिए। एंड मैंने ये टी बैग्स, ताकि इसका रंग काला हो जाए, अभी मैं टी बैग्स को निकाल के छोड़ दूँगी। एंड ये मैंने तैयार किया है रोस्टेड जीरे एंड अनारदाने का पाउडर। चने में इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे एंड देन तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के में मैं चंक्स ऑफ टमाटर एंड वेरी नाइसली जूलियन काट मिर्ची एंड जिंजर ऐड करेंगे। एंड ये टमाटर की प्यूरी भी ऐड करने वाली हूँ मैं, वैसे आप माइनस कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बड़े से पैन में मैंने ये लिया है ऑयल, उस पर जीरा ऐड करके टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। जब ये अच्छा पानी ड्राई हो जाता है, ऑयल छोड़ देती है, तो इसकी सीजनिंग कर देंगे। इसमें मेरी रेगुलर सीजनिंग है, सॉल्ट, पेपर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची एंड 1 टेबलस्पून मैंने चना मसाला भी ऐड किया है। एंड देन ये जो चंक्स हमने सब्जियों के काटे थे वो ऐड करेंगे। एंड जब ये अच्छा कुक होना शुरू हो जाता है तो इसमें हम चने ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। आप इसमें पानी ऐड करके थोड़ा पानी वाले भी बना सकते हैं, पर ये ड्राई सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर हस्बैंड को थोड़ा पानी पसंद है तो मैंने ऐड कर दिया है। ये 15-20 मिनट के लिए कुक करें एंड अभी रेडी है खाने के लिए। तेल को अच्छी तरह गर्म करेंगे, भटूरे को हम बेल लेंगे। अभी भटूरे को अच्छा फुला बनाने के लिए ज़रूरी है कि तेल आपका बहुत अच्छा प्यारा गर्म होना चाहिए। तो भटूरे हो जाते हैं आपके अच्छे फुल्ले। अभी हस्बैंड को सर्व कर देंगे। देखो भटूरे कितने सोने बने हैं। So, आज का डिनर है मूंगी की दाल एंड अंडा भुर्जी। आज के डिनर में है कड़ी पकौड़ा। हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। कड़ी का तड़का तैयार हो रहा है। इसकी रेसिपी भी मेरे कुकिंग चैनल पे है अगर देखना चाहे तो कड़ी एंड चौल खाएंगे आज। बहुत स्वाद दस्यो मैनू कि तुहानू इंडिया ना स्वादिष्ट साग मिलिया ही कि नहीं मिलिया ही। बाहर आने लगी आप। इसी तरह होती है ये वीडियो पूरी। चाय पी के थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। बहुत कुक कर लिया मैंने। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना एंड कमेंट बार में बताना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। जल्दी मिलती हूँ आपको। बाय बाय लालू।